हिमाचल के चंबा जिला के भरमौर क्षेत्र में कांगड़ा जिला के एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप 15 लोगों पर लगा है। इनमें से 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि अभिमन्यु भनोट उम्र 25, पुत्र सुरेंद्र कुमार, निवासी गांव गगवाल, डाकघर भद्रोवा, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा, लूणा में एक कैफे में काम करता था। 16 नवंबर को युवक अचानक लापता हो गया। कैफे संचालक ने पहले अपने स्तर पर युवक का पता लगाने की कोशिश की। जब सफलता हाथ न लगी तो पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई। सोमवार को रावी नदी से एक शव बरामद हुआ। शव लापता अभिमन्यु का था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। परिजनों को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद युवक का भाई भीष्म अन्य लोगों के साथ मंगलवार दोपहर बाद चंबा पहुंचा। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में उनके बयान दर्ज किए गए। पुलिस को दिए बयान में भीष्म ने कैफे संचालक समेत 15 अन्य लोगों पर उसके भाई की हत्या का आरोप लगाया। अभिमन्यु के भाई भीष्म के अनुसार अभिमन्यु ने फोन पर जान को खतरा बताया था। 16 नवंबर को अभिमन्यु ने फोन करके 14 लोगों द्वारा कैफे में हमला करने की बात बताई थी। अभिमन्यु ने बताया कि वो वहां से जान बचाकर मुख्य मार्ग पर आ गया। इसके बाद अचानक उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद कैफे संचालक परविंदर ने फोन करके अभिमन्यु के लापता होने की सूचना दी। भीष्म ने शक जाहिर किया है कि कैफे संचालक व 14 लोगों ने मिलकर उसके भाई की हत्या की है। भाई की शिकायत के बाद भरमौर पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। एसपी अभिषेक यादव ने अभिमन्यु के परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। मेडिकल कॉलेज चंबा में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है तथा अनुभव प्रमाण पत्र साथ लेकर आए। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय नाहन के दूरभाष नंबर 0170222274 पर भी संपर्क किया जा सकता है।